तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि इस एलईडी को किस तरह से कनेक्शन करना है। ये कोना कंपनी का है, हर एक कोना कंपनी में एक एलईडी देती है हर एक प्लेट में, तो उसको कनेक्शन कैसे करना है। देख सकते हैं मैंने एक तार को कनेक्शन कर दिया है न्यूट्रल पर और एक तार को हम यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं। तो अगर आप स्विच के इनपुट पर अगर दे रहे हैं, आप स्विच के इनपुट पर अगर आप किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं इस तार में, इस घाट पर, तो आपका जो एलईडी है वो डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अगर हम एक तार को न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिए, एक तार को हम यहाँ पर स्विच के इनपुट पर कनेक्शन करेंगे, तो ये जो एलईडी है, प्लेट्स का एलईडी, वो डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम अगर स्विच के आउटपुट पर कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर दो स्विच लगा हुआ है, दोनों के कोई भी एक आउटपुट पर हम कनेक्शन करेंगे, तो स्विच ऑन करेंगे तो मेरा एलईडी जलेगा। तो मेरे हिसाब से स्विच के आउटपुट पर ही कनेक्शन करना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारे बोर्ड्स लग रहा है, ये किसी रूम में तीन बोर्ड लग रहा है, किसी में दो बोर्ड, किसी में चार, किचन में तो चार पांच बोर्ड लगता है। तो आप जो है स्विच के आउटपुट पर कनेक्शन करेंगे तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि बिजली बिल आजकल ज़्यादा आ रहा है, बिजली बहुत ही ज़्यादा खर्च हो रहा है घर में, और बिजली बिल भी बहुत सारा लग रहा है, देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इस किचन पर भी बहुत सारा बोर्ड है, आप दे सकते हैं एक दो, यहाँ पर तीन मॉडलर का है, और यहाँ पर भी एक दो मॉडलर का बोर्ड है, यहाँ भी एक 12 मॉडलर का बोर्ड है, और पीछे में मैं आपको दिखाता हूँ एक और बोर्ड है जो कि एक्वागार्ड के लिए, आरओ के लिए, यहाँ पर देखिए। तो बहुत सारा बोर्ड इस किचन पर है। तो कनेक्शन आपको करना किस तरह से है कि स्विच के आउटपुट पर हर एक बोर्ड का देना है, एक बोर्ड का जो है डायरेक्ट रखना है आपको, ताकि पता चले कि हाँ करंट है। तो ये कनेक्शन आप ज़रूर करें, सब बोर्ड में अगर डायरेक्ट कर देंगे तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा, वो लोग उसका घर का, और बिजली बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।